हमारे समाज में जो है समाज सेवी संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ऐसे अच्छे ऐसे पुण्य कार्य के लिए जो है मतलब आगे आके मैं सबसे निवेदन भी करूँगा कि आगे आके इस प्रकार के कार्य करें। जवाहर फाउंडेशन द्वारा मनुहार समारोह स्थल पर जरूरतमंदों को स्वेटर वितरण। मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान व निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार ने 100 लोगों को बांटे स्वेटर। मंगलवार को नसीराबाद रोड स्थित मनुहार समारोह स्थल पर सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजु झुंझुनवाला के निर्देशानुसार नगर निगम अजमेर के आयुक्त देवेंद्र कुमार और मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान के नेतृत्व में निर्धन असहाय व जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत प्रदान करने के लिए स्वेटर वितरित किए गए। ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजु झुंझुनवाला की ओर से अजमेर शहर में जरूरतमंदों के साथ सफाई कर्मचारियों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत आज मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान के वार्ड के सफाई कर्मचारियों के साथ ही जरूरतमंदों को 100 स्वेटर वितरित किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50-50 लोगों को 2-2 फीट की दूरी पर बिठाकर नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार और सफाई निरीक्षक रूपाराम चौधरी के नेतृत्व में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज जवाहर फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन रिजु झुंझुनवालों की तरफ से पूरे राजस्थान अपने अजमेर जिले के अंदर स्वेटर का वितरण किया जा रहा है। आज पार्षद सुनीता चौहान मनोनीत पार्षद के तत्वाधान में आज ये स्वेटर वितरण मनवार समारोह स्थल में रखा गया है, और करीबन 100 से लगभग स्वेटर बांटे जाएंगे, और सफाई कर्मचारियों को और बेसहायाओं को ये स्वेटर दिए जा रहे हैं। यह पहल माननीय रिजु झुंझुनवाले की तरफ से सराहनीय है। इन्होंने 1 रुपये के अंदर स्वाभिमान भोज का कार्यक्रम रखा है, कोविड का इन्होंने मास्क और नाइट बांटे हैं। GLN में 10 लाख के अजमेर ज़िले के लिए जितनी भी व्यवस्था करनी है उन्होंने करी है। ऐसे व्यक्ति जो अजमेर सांसद के चुनाव से खड़े हुए, कोई बात नहीं, वो पराजय हुए, परंतु अजमेर को अपनी कर्म भूमि मानते हुए जनता की सेवा के अंदर वो आज भी अपना खरे उतर रहे हैं। ऐसे भगवान उनकी लंबी आयु हो और अजमेर की जनता के लिए वो फिर पुनः आए, और इस बार वो जनता के माध्यम से, जनता की सेवा के माध्यम से उनको उनकी सेवा का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर किस तरह का कोविड गाइडलाइन बन रही है? कोविड गाइडलाइन से आप अपने खुद के वीडियो चला के देख सकते हो, सबको 2-2, 5-5 फुट की दूरी पर रखा गया। मात्र 60 आदमी भी पहले, 50 आदमी पहले, 50 आदमी बाद में फिर मनवार में बुलाए जाएंगे और ये 100 का वितरण किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार ने सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों की सेवार्थ किए जा रहे इस पुनीत कार्य के लिए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजु झुंझुनवाला सहित आयोजकों को बधाई दी और समाज सेवी व स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। देखिए, आज मनोनीत पार्षद साहब द्वारा और समाज सेवी संस्था द्वारा जो है स्वेटर का वितरण किया गया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे समाज में जो है समाज सेवी संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ऐसे अच्छे ऐसे पुण्य कार्य के लिए जो है मतलब आगे आके मैं सबसे निवेदन भी करूँगा कि आगे आके इस प्रकार के कार्य करें। और आज जो मनोनीत पार्षद द्वारा जो ये वितरण किया गया है, संस्था द्वारा वितरण किया गया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ।